हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मराठी स्थूल वाचन 1 मोठे होत असलेल्या मुलानो। तो इसमें हम देखने वाले, इसका डाइजेस्ट आंसर जितना आप इसमें दिया हुआ है वो सारा मैं आपको यहाँ पे शो करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं, पाठ का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। सुप्रसिद्ध अणुशास्त्र डॉक्टर अनिल काकोडकर यानी भारती मुलाना तरुणाना लिखलेले ऐसे पत्र आहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं है। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, देख सकते हो। इसके बाद वाले भी सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, एक दो चैप्टर कुछ रह गया वही मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। और आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। अगर एक दो रह गया होगा या एक आध दो चैप्टर का रह गया होगा तो आप मुझे कॉमेंट में बताना, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मराठी का जो सिंपल वर्ड में भी दिया गया है और प्लस इंग्लिश में भी दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख के बस आपको लर्न करना है। दिशा दाखवने यानी दिशा मार्ग दिखाना, बोर्ड धरुण चारवर्ण यानी कि हेल्प करना, इस तरीके से। यहाँ पे देखो दिया गया है बार्क पहला और दूसरा है डॉक्टर होमी भाभा। सो पहला है जो बार्क, बार्क माने मंजे, BARC मंजेज। ये यहाँ पे दिया हुआ देखो पहले का, दूसरा वाला भाभा एटॉमिक, और दूसरा ये रहा डॉक्टर होमी भाभा। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये पूरा है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो दूसरा है, दूसरा है डॉक्टर होमी भाभा, उनके बारे में जो लिखना है वो यहाँ पे है। डॉक्टर होमी भाभा ये भारत के विश्वविख्यात अणुशास्त्रज्ञ थे, ठीक है। त्यानी भारतातील संशोधनाचा पाया घातला, यानी कि त्यांचे नाव, उनका नाम जो था अनुसंशोधन केंद्र में दिया गया, BARC म्हणजे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। त्यांचे व्यक्तिमत्व तरुण नवीन शास्त्र की पीढ़ीला स्फूर्तिदायक होते। उनका कहना था कि जो अभी जो यूथ हैं, ठीक है, तो जो तरुण नवीन थे, जो शास्त्रज्ञ थे, वो स्फूर्तिदायक होते, उनमें एनर्जी होती है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। लेखक की ट्रेनिंग स्कूल शिकत स्थाना तिथे होमी भाभा 3-4 वेड़ा आले आले होते, यहाँ पे पूरा दिया गया, देख सकते हो। स्काई इज द लिमिट ही परिस्थिति केवा निर्माण हो सकते ते मोठे होत असलेल्या मुलानो या पाठाचे आधारे लिहा। इस पाठ पे इसकी स्काई इज द लिमिट, स्काई की जो लिमिट है वो यहाँ पे किस तरीके से इस परिस्थिति का निर्माण कैसे हो सकता है वो यहाँ पे दिया गया है। सो डॉक्टर होमी भाभा, इनका मत था कि स्वतःचा काम निर्माण करने व काय काम करावे हे स्वतःचा ठरवणे हा सकारात्मक विचार प्रत्येकाना करायला हवा। यानी कि अपने को क्या काम करना है खुद ही करना है, और सकारात्मक विचार हर किसी को रखना चाहिए। बॉस ने सांगितले तेवढेच काम करणे ही चुकीची वृत्ती आहे। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि बॉस ने जो काम दिया है उसमें कोई चूक नहीं होना चाहिए, गलती नहीं चाहिए, चिंता करते नहीं बैठना है, कामात गढ़ून केले की स्काई इज द लिमिट ही पस्त निर्माण होते। ये सारे यहाँ पे आंसर देख सकते हो। मेटलाइजिंग प्रक्रिया वर काम न होण्या मागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हाला वाटते। अब ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दोनों का ही आंसर सेम है, यहाँ पे दिया गया है। बार्क मध्य लेखक इंजीनियर म्हणून रुजू आले तेव्हा त्यांना मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आले। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो सारे आंसर। आधी के लिए मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा, समर्थ रामदास ने ऐसा सूचन दिया है। आधी के लिए मग सांगितले यानी बहुत बड़ा यहाँ पे संदेश दिया है रामदास ने, आपल्याला एक वाईट सवय असते, मी म्हणजे आपली कामे दुसऱ्यांनी करावीत, अपने काम को दुसरे से कराना, आपल्या आळशी प्रवृत्तीने, हमारी जो आळशी प्रवृत्ती है ये क्या है, देरे हरी खाटल्यावरी अशी भावना
तैयार होने गए रहे, यानी कि हमारा काम दूसरा कोई कर दे, ये गलत बात है। तो हमें अपन परावलंबी ना होता, हमें परावलंबी नहीं होना है बल्कि स्वावलंबी होना है। स्वतः ची कामे स्वतः कन्याची जिद अपल्यात असायला हवी, अपना काम अपने से ही करना है, अपना जो सपना है अपने से ही पूरा करना है, अपन स्वतः अपनी कामें करने कुशल असलो। ओके, सो हम इस तरीके से अपना काम करने में खुद कुशल हैं, ऐसा उदाहरण देके हम दूसरों को भी दिखा सकते हैं। स्वावलंबी होके अपना काम करना चाहिए, दूसरे पर हमें विश्वास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना काम जितना अच्छे से हम करेंगे उतना कोई नहीं कर सकता। ओके, मग आपन दूसरा साक्षी आदर्श आइडल हो तो याराज आदि के लिए मग सांगितले असे म्हणतात, यानी अपना काम जब दूसरे से कराएंगे तो वो हमारा आदर्श होगा, हमें आदर्श बनना है ना अपना काम करके। प्रत्यक्ष अनुभवतून शिकने हे अधिक परिमाण कारक अस्ते हे विधान स्वानुभवातून स्पष्ट करा। तो यहाँ पे देखो दिया गया दिवाली रंगीत का रंगीत कागजी यानी कि दिवाली के जो रंगीन कागज होते हैं वो कंदील की शोभा मतलब खूब आवड़ते हैं, मुझे खूब अच्छा लगता है। आई नियमी बाजार तुन, आई बाजार से छोटे कंदील लेके आई, विकत आना चाहिए यानी खरीद के लाई। या वर्षी में ठरवले कि आपन स्वतः कागदी, इस बार मैंने ठरवले यानी कि मैंने ऐसा संकल्प किया, मैंने ऐसा सोचा कि अपना जो कंदील है वो खुद ही खरीद वो खुद ही तैयार करूँगा करके देखता हूँ जमता है कि नहीं जमता है। मी स्वतः, मैं खुद ही स्टेशनरी की दुकान पे गया और रंगीन जिलेटिन कागज लिया और काड़िया यानी जो काड़ी होती है वो लिया, धागिया चे बंडल धागा का बंडल लिया और दिवाली का जो आदल्या सकाड़ी कंदील करायला घेतला, चौकोनात काड़िया जोड़ायला घेतला यानी कि चौकोन जो होता है वो जोड़ा किया। पन काही मान सार के जमेना, बट मन के जैसा कुछ जम रहता, मी पुनः विस्कटायचो पुनः जोड़ायचो, फिर से उसका तोड़ा जमाया जोड़ा, फिर नीट जमत नमते दोपहर झाली यानी दोपहर हो गई, पर निश्चय केला कि कंदील पूर्ण झाल्या शिवाय जेवाश नहीं, जब तक ये कंदील पूरा नहीं होगा तब तक जाऊंगा नहीं करके, यानी कि बार बार खराब हो रहा है, बार बार तोड़ फोड़ के बना रहा है। हड़ू हड़ू मलाते जमायला लगले, धीरे धीरे करके वो मुझे जमने लगा यानी बनने लगा। पूर्ण कंदलाचा काड्याचा संगाड़ा तैयार झाला, पूरा वो तैयार हो गया। मग त्यावर ताणून वेगवेगळे रंगीत कागज चिकटवणे सोपे गेले, उस पर रंगीन रंगीन कागज चिपकाया, आखिर खूब मेहनतीनंतर सुंदर कंदील तैयार झाला, खूब मेहनत के बाद सुंदर सा कंदील भी तैयार हो गया। तेव्हा मला कळले की प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते। सिंपल सी बात है कि ट्रायल एंड एरर जो हम करते हैं, गलती होती है, फिर सीखते हैं, फिर करते हैं, फिर सीखते हैं, वही हमारा क्या होता है प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना। डायरेक्ट अनुभव हमें होता है किसी के सुनने से, किसी के कहने से, जो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता वो गलती करके अपना कोई भी काम करके फिर उसमें गलती करके फिर उसे सुधारने में हमें क्या मिलता है, हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिलता है और कहाँ पर गलती होगी, ये सिंपल सी बात है। हमारे गुरु हम खुद भी बन सकते हैं इस तरीके से जो भी हम चाहें। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे मैंने जो भी था आपको क्लियर शो किया है, प्रॉपरली आप देख पाओ इसलिए मैंने जूम इन किया हुआ है। वीडियो आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखना है, इवन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी कई बार बोलते हैं कि ब्लर दिखाई देता है, तो आपको तो पता ही होना चाहिए कि आप जब मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखोगे तो आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। सो हाई रिजोल्यूशन पे देखना, वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा। आगे के जो एक दो चैप्टर्स बचे हैं मैं वो भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है।